नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजू टारगेट के अंदर। जैसे कि आप सब जानते हैं, एसएससी सीएचएसएल के पेपर अभी स्टार्ट हो रखे हैं, तो उसी के ही हमारे पास में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे जो कि हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज फर्स्ट शिफ्ट 2 जुलाई 2019 का पेपर हो चुका है, तो जिनका भी आगे आने वाला पेपर है उनके लिए ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। और जिनका आज के डेट में हो चुका है तो वो अपनी आंसर की इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। ओके, तो डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चन वन बाय वन करके, सारे जीके के, और पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप का पेपर आया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरीके के और भी लेटेस्ट वीडियोस रिगार्डिंग टू एसएससी सीएचएसएल कट ऑफ, एसएससी सीएचएसएल की आंसर की फर्दर जो पूरी अपडेट आंसर की होगी और इसका रिजल्ट कब आएगा, पूरी डिटेल एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। साथ साथ में आरआरबी के रिगार्डिंग, एसएससी के रिगार्डिंग आपके पास में लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि हमारे पास में आया है कमेंट के माध्यम से, कि एसएससी सीएचएसएल में 2 जुलाई 2019 के पेपर में आया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में, एक्सिस बैंक के सीईओ कौन थे? तो वो थे अमिताभ चौधरी। ओके फ्रेंड्स, कौन थे एक्सिस बैंक के सीईओ? अमिताभ चौधरी थे। कौन सा स्टेट भूटान और नेपाल को अलग करता है? विच स्टेट सेपरेट आउट भूटान एंड नेपाल, यानी दो डिफरेंट कंट्रीज को इंडिया का कौन सा स्टेट सेपरेट आउट करता है? तो वो है सिक्किम। ओके फ्रेंड्स, कौन सा स्टेट करता है? सिक्किम। थर्ड क्वेश्चन जो आ रखा था, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हमारे पास में जीके के रिगार्डिंग, इंग्लिश के क्वेश्चन भी आ रखे हैं और इनके हम फाइनली एनालिसिस भी करेंगे। और एनालिसिस करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि रीजनिंग का जो पेपर आया है अभी वाले शिफ्ट के अंदर वो ईजी थी, मैथ्स थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की आई थी, टफ लेवल नहीं था लेकिन मॉडरेट लेवल की मैथ्स आई थी और रीजनिंग काफ़ी ईजी थी। जीके भी एकदम मॉडरेट टू ईजी आई थी, तो काफ़ी आसान पेपर आया था, ज़्यादा टफ पेपर आया नहीं था। थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आपके साथ में, विच स्टेट शेयर लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद चाइना? तो चाइना का कौन सा स्टेट लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है? कौन सा इंडिया का स्टेट चाइना के साथ में लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है? वैसे तो काफ़ी सारे स्टेट शेयर करते हैं, जैसे कि सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, देन हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड हो गया, देन आफ्टर अरुणाचल प्रदेश हो गया। ओके, इस टाइप से काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जो कि शेयर करते हैं, लेकिन जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ में इंडिया का स्टेट, वो है अरुणाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था, विच स्टेट बैन ऑन इलेक्ट्रिक सिगार, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सिगरेट थी, ओके सिगार थी, वो कौन से स्टेट ने बैन करी है? अब एग्जैक्ट आंसर मेरे को पता नहीं है, ऑप्शन में आपके पास में क्या थे, लेकिन एक्चुअलिटी में 12 स्टेट्स ने बैन कर रखी है, 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज ने इंडिया के बैन कर रखी है। उनमें से कुछ है, सबसे पहले पंजाब, देन महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी स्टेट्स ने बैन कर रखी है इलेक्ट्रिक सिगार। एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी आ रखा था, वो था आरबीआई के गवर्नर। ओके, अगर जो भी कैंडिडेट उर्जित पटेल करके आ गए होंगे तो डेफिनेटली उनका गलत हो गया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल चेंज हो गए थे आरबीआई गवर्नर। कौन हो गए हैं? शक्तिकांत दास। ओके फ्रेंड्स, कौन हो गए हैं? शक्तिकांत दास हो गए हैं आरबीआई के नए गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, सॉरी 6 देखते हैं, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंदौर, क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, पिछले 3 बार से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का जो खिताब जो मिलते आ रहा है वो इंदौर को ही बार बार रैंकिंग में टॉप रैंकिंग पे आ रही है पिछले तीन बार से, तो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है? इंदौर। बहुत आसान क्वेश्चन था। फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है अमेजन ने, तो डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करंट अफेयर का आपका आना बनता था, तो फ्लिपकार्ट बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर थे वो थे बिन्नी बंसल एंड सचिन बंसल। अब आपके ऑप्शन में क्या थे? अगर बिन्नी बंसल है या फिर सचिन बंसल है या फिर दोनों बोथ है, तो इन तीनों ही आपके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बिन्नी बंसल भी सही है और सचिन बंसल भी सही है। आई होप कि आपके आंसर में बिन्नी बंसल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में था आपके, एमपी के गवर्नर कौन है? फ्रेंड्स, गवर्नर के रिगार्डिंग जो वीडियो है वो जरूर देख के जाइएगा आप। ओके, गवर्नर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स में। ओके, तो गवर्नर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसमें आज आपके जो पेपर था उसके अंदर आज की शिफ्ट में आ रखा था एमपी के गवर्नर कौन है, तो एमपी के गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? आनंदीबाई पटेल। ये इससे पहले ये गुजरात की सीएम रह चुकी हैं, आनंदीबाई पटेल अभी गवर्नर से पहले गुजरात की सीएम रह चुकी हैं, हाल फिलहाल मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं, और इनके पास में एडिशनल कार्यभार भी है, छत्तीसगढ़ के भी अभी गवर्नर आनंदीबाई पटेल ही हैं। ओके, इंग्लिश से हमारे पास में एक क्वेश्चन आ रखा है,
एंटोनिम्स के दो क्वेश्चन आए थे, सिनोनिम्स के भी दो क्वेश्चन आए थे, और एरर एंड करेक्शन के थे दो क्वेश्चन। तो इस टाइप से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, उसमें से एक क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास में, एंटोनिम ऑफ एक्जॉटिक। एक्जॉटिक का मतलब होता है काफ़ी दूर। ओके, हाल फिलहाल मेरे को एक्चुअल इसमें आंसर आप ऑप्शंस में आपके क्या था, लेकिन एक सिंपल वर्ड मेरे पास में जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है नेटिव, यानी एक्जॉटिक का, एक्जॉटिक, एक्जॉटिक का जो अपोजिट हो सकता है एंटोनिम, यानी कि अपोजिट जो हो सकता है वो हो सकता है नेटिव। अब आप उससे रिगार्डिंग देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या था, और एग्जैक्ट आंसर आपका क्या है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप। वन वर्ड ऑफ, और ज़्यादा ज़्यादा और भी काफ़ी सारे अगर आपके पास में जो क्वेश्चन इसमें लेफ्ट आउट हो रहे हैं, जो मुझसे छूट रहे हैं, वो आप मेरे को कॉमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसिडर कर सकूँ, और आप सबका एक दूसरे से, आप दूसरे की हेल्प हो सके, सारे क्वेश्चन आपके एग्जैक्टली आपके आंसर की मैं बता सकूँ। वन वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन चर्च, यानी कि ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन चर्च को अपन क्या कहते हैं, वन वर्ड में आपको बताना था, वन वर्ड आंसर देना था, उसको अपन बोलते हैं च्योर, CHOIR, च्योर बोलते हैं उसको। एक क्वेश्चन अपने पास में आ रखा था, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो मूवी है वो किसने लिखी थी, कौन सी बुक पे आधारित है, तो वो है संजय बारू ने लिखी थी बुक। ओके, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उस पर अपने फिल्म बनी थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो आप ये जो दो मूवीज़ बनी है, एक तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक मनमोहन, एक तो सॉरी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तो बनी है मनमोहन सिंह पे, और एक बनी है अपने प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं जो, ओके तो इन पे जरूर आप एक बार देख के जाइएगा। बायोगैस, ओके, एक अपने नरेंद्र मोदी पे जो फिलहाल मूवी बन रखी है प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर पे, इन दोनों के बारे में आप जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा। बायोगैस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ रखा था, क्या बायोगैस कौन सी होती है, तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था आपका मीथेन। मीथेन ही एक्चुअलिटी में बायोगैस होती है, बाकी ऐसे तो बायोगैस के साथ में अपन जब भी डिकम्पोजिशन होता है तो उसके साथ साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलती है, हाइड्रोजन भी निकलती है, मीथेन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इसमें जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है वो 70% वो होती है मीथेन की, और यही एज अ फ्यूल अपन यूज़ में लेते हैं, क्योंकि जो बर्निंग कैपेसिटी होती है बायोगैस में वो ओनली मीथेन की होती है, इसलिए अपन बायोगैस एज अ मीथेन को ही बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 12 क्वेश्चंस थे, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेफ्ट आउट हैं, जो कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि जल्दी से जल्दी कुछ ही देर में आपके अपलोड कर दूंगा, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी फर्दर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना भी ज़्यादा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरीके और भी लेटेस्ट वीडियोज़ रिगार्डिंग टू RRB SSC आपके पास में आते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।